माइनक्राफ्ट को कंप्लीट करना हमेशा आसान नहीं, सो सेव टाइम एंड मेक थिंग्स बेटर विद दिस 10 टिप्स एंड ट्रिक दैट मेक माइनक्राफ्ट इजी। सो जब तुम अर्ली गेम खाने के लिए मॉब्स को मारने जाते हो, तब उन्हें ढूंढ के मारना और उस कच्चे मीट को पकाने के लिए कोल या वुड ढूंढना, इनसे तुम्हारा काफी टाइम वेस्ट होता है। सो इंस्टेड तुम यूज कर सकते हो एक फ्लिंट एंड स्टील, और जिस मॉब को मारना है सिंपली तुम उस पर आग लगा सकते हो, और जब वो जल रहा हो जस्ट हिट हिम विद एग्स। एंड द ग्रेट थिंग अबाउट यूजिंग दिस इज जब तुम किसी मॉब को आग लगा के एग्स या सॉर्ट से मारते हो तो एक कुक फूड ड्रॉप करता है, सो दैट यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम बाय कुकिंग इट इन फर्नेस। और ये ट्रिक इस गेम के हर मॉब पे काम करेगा, इसलिए तुम्हें केविंग के टाइम पकाने के लिए मटेरियल्स लाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर तुम माइनक्राफ्ट पे अपने लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो एंड यू डोंट हैव अ गुड एक्सपी फार्म, देन एक्सपी फार्म करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है जस्ट हेड टू नेदर एंड माइन नेदर क्वार्ट्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेदर क्वार्ट्स नेदर बायोम में काफी कॉमनली जनरेट होता है, एंड इसे माइन करने से तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपी मिलेगा। सो नॉट ओनली यू गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्वार्ट्स, यू कैन ऑल्सो गो फ्रॉम लेवल 0 टू लेवल 30 वेरी इजीली। और अगर तुम्हारे टूल्स पे मेंडिंग लगाओ, देन तुम इसे माइन करके अपने टूल्स को इजीली रिपेयर कर सकते हो, और अगर तुम चाहो तो इन गोल्ड ओर्स को भी माइन कर सकते हो, इससे भी तुम्हें एक्सपी मिलेगा, बट जस्ट बी अवेयर ऑफ पिगलिंस नियर बाय। हालांकि अर्ली गेम में इसका मिलना काफी मुश्किल हो सकता है, बट स्लाइम ब्लॉक्स को अपने पास रखना काफी यूजफुल है फॉर लेट गेम वर्ल्ड। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्लाइम ब्लॉक्स के दो काफी मजेदार यूज हैं। पहला है, इसका यूज तुम MLG जंप के लिए कर सकते हो, सो जब तुम ग्राउंड को हिट करने वाले हो तभी अगर तुम स्लाइम ब्लॉक अप नीचे प्लेस करोगे तो तुम बिना हर्ट हुए इजिली नीचे उतर सकोगे, बट जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू लैंड दैट यू डोंट क्राउच, नहीं तो तुम्हें फॉल डैमेज मिलेगा। Another great thing about this slime block is तुम इसे quickly mine कर सकते हो। So basically, इसका use तुम कई different तरह से कर सकते हो। For instance, इसको तुम scaffolding की तरह भी use कर सकते हो for going up and down to build। And later, इसे mine करने के लिए तुम्हें literally बस अपना left click hold करके रखना है। जब players Minecraft में farm बनाते हैं तो वो कैरेट पोटेटो और भी उगाते हैं, हालांकि तुम इन्हें ग्रो कर सकते हो, बट द मेन रीजन टू ग्रो कैरेट इज टू ब्रीड पिग्स। एंड एज यू नो, अगर तुम कैरेट्स को हाथ पे रख के पिग्स पे राइट क्लिक करते हो तो ब्रीडिंग मोड पे चले जाते हैं, एंड ऐसा करने से तुम्हें एक बेबी पिग मिलता है। बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम टू ग्रो कैरेट्स, तुम ग्रो कर सकते हो पोटेटोस, जिसका यूज तुम पिग्स को ब्रीड करने के लिए भी कर सकते हो, एंड ये हमारे लिए काफी अच्छा फूड सोर्स है बिकॉज इट्स ईजी टू कुक। और अगर तुम गोल्डन कैरेट के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि माइनक्राफ्ट पे कैरेट का यूज गोल्डन कैरेट बनाने के लिए किया जाता है, देन यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज़ इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग कैरेट टू क्राफ्ट इनटू गोल्डन कैरेट, तुम सिंपली अपने फार्मर विलेजर से गोल्डन कैरेट ट्रेड कर सकते हो फॉर 3 एमराल्ड। अगर तुम्हारे पास लॉन्ग रेंज वेपन ना हो तो घास से लड़ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, हालांकि जो चीज इसे आसान बनाती है वो है एक फिशिंग रॉड। बेसिकली तुम्हें गास्ट के पास जाना है एंड अपने फिशिंग हुक को उसमें फेंकना है, राइट क्लिक दबा के तुम उसको अपनी तरफ पुल कर सकते हो, देन तुम अपने स्वॉर्ड से उस पर हिट कर सकते हो। ऐसा तुम फिशिंग रॉड को अपने ऑफ हैंड पर रख के भी यूज कर सकते हो लाइक दिस। इट्स क्रेजी कि एक सिंपल फिशिंग रॉड से तुम गास्ट के पोजिशन को कंट्रोल कर सकते हो, एंड तुम इस फिशिंग रॉड ट्रिक का यूज दूसरे मॉब पे कर सकते हो जो रेंज से अटैक करते हैं लाइक स्केलेटन। फिशिंग रॉड को एन्चेंट किए बिना तुम दो तरीके से फिशिंग को एफिशिएंट बना सकते हो। पहला है, अगर तुम्हारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में बारिश हो रहा है, देन द टाइम टू कैच फिश इज मच क्विकर। आई थिंक ऐसा इसलिए है क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब बारिश होता है तो उससे पानी का सरफेस हमेशा हिलता रहता है, जिसकी वजह से मछली के लिए ये देखना हार्ड होता है कि कोई पानी में है या नहीं, जो भी रीजन हो, बट ये बहुत अच्छा है क्योंकि इससे तुम्हें सुपर फास्ट फिशिंग रेट मिलता है। हालांकि एक और बढ़िया तरीका है जिससे तुम फिशिंग को और एफिशिएंट बना सकते हो। सो फॉर इंस्टेंस, इस एरिया पे फिशिंग करने से हमें खाली फिश मिला है, क्योंकि फिशिंग करने के लिए ये एक अच्छा एरिया नहीं है। तुम्हें पानी में एक 5x5x2 का एरिया ढूंढना है जिसके आसपास ब्लॉक ना हो, देन ऐसा करने से तुम्हें फिशिंग के टाइम कई सारे ट्रेजर लूट मिल सकता है लाइक दिस। अगर तुम एक नया माइनक्राफ्ट वर्ल्ड शुरू कर रहे हो और तुम डायमंड्स के लिए माइन कर रहे हो, देन ये एक अच्छा आइडिया होगा टू नॉट मेक अ स्ट्रिप माइन, इंस्टेड मेक अ क्रॉल माइन। ये बेडरॉक एंड जावा दोनों में काम करता है। फॉर बेडरॉक तुम्हें वाटर बकेट चाहिए होगा, देन तुम ऐसे क्रॉल पोजीशन में जा सकते हो
एंड फॉर जावा तुम एक ट्रैपडोर यूज कर सकते हो, और ये काफी एफिशिएंट तरीका है डायमंड ढूंढने का। माइनक्राफ्ट में सबसे मुश्किल काम है जब तुम कहीं मर जाते हो और तुम अपना सामान वहाँ खो देते हो, तब उसे ढूंढना काफी मुश्किल होता है। और इसका सबसे खराब हिस्सा है तुम जिस एरिया पे मरते हो मे भी तुम वहाँ से अपना सामान ला सको, बट तुम्हें उस एरिया का कोऑर्डिनेट पता नहीं। सो थैंकफुली माइनक्राफ्ट ने इसका सॉल्यूशन ऐड किया है। तुम क्राफ्ट कर सकते हो एक रिकवरी कंपास विद 8 एको शार्ड और एक नॉर्मल कंपास। रिकवरी कंपास उस जगह पॉइंट करता है जहाँ तुम लास्ट मरे थे। सो लेट्स से तुम यहाँ गिर के मर गए, देन स्पॉन पे तुम अपना रिकवरी कंपास लेके अपने आइटम ढूंढने जा सकते हो। एज यू कैन सी ये हमारे लास्ट डेट लोकेशन पे पॉइंट करता है कुछ इस तरह। सो अगर तुम माइनक्राफ्ट पे कॉबवेब को हटाना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम उसे एक स्वॉर्ड से माइन करोगे, राइट? वेल एक्चुअली ये मेथड काफी स्लो है। इसे माइन करने के लिए एक और क्विक मेथड है जिसके बारे में ज्यादातर प्लेयर्स नहीं जानते। तुम्हें चाहिए होगा एक वाटर बकेट जिसे ऐसे यूज करके तुम एक एरिया के सारे कॉबवेब्स हटा सकते हो विदाउट ड्रेनिंग योर स्वॉर्ड ड्यूरेबिलिटी। इसे तुम इमरजेंसी के टाइम भी यूज कर सकते हो कुछ इस तरह, जिससे सारे मॉब्स दूर हट जाएंगे इस वाटर प्रेशर की वजह से। शायद से तुम्हें पता ना हो, अगर तुमने एक मॉब हेड पहना है तो जिस डिस्टेंस पे तुम एक मॉब तुम्हें डिटेक्ट करे ये काफी कम हो जाता है। सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं स्केलेटन हेड को पहन के इसके पास जाऊं तो इससे पहले कि ये मुझे नोटिस करे मैं इसके बहुत करीब जा सकता हूं। और ये दूसरे मॉब से भी काम करता है विद क्रीपर हेड और ज़ॉम्बी हेड। बट शायद से तुम्हें ये पता ना हो, अगर तुम क्राउच करके इसके पास जाओगे तो तुम इसके और करीब जा पाओगे। फॉर इंस्टेंस ये मुझे यहाँ इस ब्लॉक पे नोटिस कर पा रहा है, बट अगर मैं क्राउच करके जाऊँ देन यू कैन सी मैं इसके बहुत करीब जा सकता हूँ। एंड ऐसे तुम एक स्नीक अटैक दे सकते हो क्रीपर्स या फिर स्केलेटन्स पे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड बी श्योर टू कमेंट बिलो एंड लाइक द वीडियो इफ यू एंजॉयड इट। और अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो से तुम्हें हेल्प मिला, देन सब्सक्राइब टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस। अब मैं मिलूंगा तुम्हें अपने नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।